मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज नवमी के दिन से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण विधानसभा से उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा भी अपने समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्टी की ओर से सिंबल मिलने के बाद नामांकन दाखिल किया जाता है और उस प्रक्रिया को मैंने पूरा किया है। मेरे साथ ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और इस दौरान आप जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आए। देखो, ये नामांकन एक प्रक्रिया है, जब दल से टिकट क्लियर हो जाते हैं तो नामांकन की जो प्रक्रिया होती है। आज हम नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे, सांसद जी भी साथ थे, हमारे पार्षद जी भी, हमारे लोकमाता अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी, सभी कार्यकर्ता और संगठन के सभी लोग आए। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ता के परिश्रम और सरकार के अच्छे कामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव जीतेगी। कांग्रेस अपने आप में चुनौती रहे, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।